तो यहां से हमको क्या सीखने को मिलता है, हमको यहाँ पे यही सीखने को मिलता है कि ड्राइवर साइज से कुछ नहीं होता दोस्त। 10 mm मिलता है ओप्पो एनको M32 में और यहाँ पे 11.2 mm, लेकिन फिर भी लाउडर है। बैलेंस वर्सेस बैलेंस, यहाँ भाई बैलेंस साउंड की बात कर रहे हैं और ये बात दोनों ही नेकबैंड के लिए बोल रहे हैं, ओप्पो एनको M32 और रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2S। और ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो आपको साउंड वाले टाइमलाइन में पता चलेगा। तो यहाँ भाई टाइमलाइन काफी सारे हो सकते हैं, तो जो आपकी नीड हो ना वही जाके देख लेना। सबसे पहले यहाँ बता दे यार, ये दोनों ही नेकबैंड थोड़े बहुत प्राइस डिफरेंस के साथ आते हैं, लेकिन बहुत सारे ओप्पो एनको M32 की नीड पूरी कर सकता है ये रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2S। फिर पूछ रहे हो वो कैसे है, वीडियो में पता चलेगा। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो जान लो, जो इसका फर्स्ट रिव्यू किया हुआ है ना रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2S का, वो जरूर देखना क्योंकि वहां पे बहुत सारे हिडन फैक्ट्स हैं, हिडन चीजें हैं जो आप लोग को नहीं पता है लेकिन वहां पता चलेंगी। लेकिन एक बात पहले बता देते हैं, जो इसका डायरेक्ट रियल HD साउंड वाला जो सपोर्ट है ना वो सभी फोनों में नहीं मिलता है, वो जो है रियलमी के कुछ सिलेक्टेड फोनों में है वहां मिलता है। हमारे पास रियलमी का X2 Pro है भैया, फ्लैगशिप वाला इनका, उसमें भी साला वो चीज नहीं शो कर रहा है, तो भगवान जाने किस फोन में शो करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इसके साउंड क्वालिटी है कोई कमी नहीं है। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं यार। सबसे पहले ना इनके लुक्स की बात कर लेते हैं, तो देखो दोनों पे ही लुक्स जो है थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पे किसी को रियलमी बर्ड वायरलेस 2S पसंद आ सकता है और किसी को ओप्पो एनको M32, और हमें जो है पर्सनली ओप्पो एनको M32 ज्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि उसके ईयरबड जो है ना काफी सॉफ्ट मटेरियल से बने हैं और थोड़े से प्रीमियम लगते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे यार दोनों ही नेक बैंड जो है थोड़े से हार्ड मटेरियल से बने हैं नेक वाला एरिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चुभ जाएगा। ऊपर जो है सिलिकॉन मटेरियल ही यूज किया गया है, तो यहाँ पे कंफर्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। कैप्सूल की बात कर ले, दोनों के ही प्लास्टिक मटेरियल से बने हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बेटर प्लास्टिक लगेगा ओप्पो एनको M32 का मैट सीरीज के साथ आता है, और रियलमी वायरलेस 2S का थोड़ा सा प्लास्टिक जो है हमको शाइनिंग लगता है, तो शाइनिंग वाला हमको थोड़ा सा कम पसंद आता है, बाकी ऐसा कोई इश्यू वाली बात नहीं है, फिनिशिंग दोनों की ही बेस्ट है। वहीं जॉइंट्स की बात कर ले, तो यहाँ पे ओप्पो एनको M32 थोड़ा सा कमजोर लग रहा है कैप्सूल की जगह पे, लेकिन ईयरबड जहाँ पे वहां पे दोनों ही काफी बढ़िया लग रहे हैं। और वायर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी हमको रियलमी का वायर ज्यादा बेस्ट लगा है ओप्पो एनको M32 के मुकाबले। वहीं टाइप सी पोर्ट जो है ओपन दिखता है रियलमी वायरलेस 2S में, है ना, और यहाँ ओप्पो एनको M32 में जो है पैक्ड है और वहाँ टाइट पैक्ड। बाकी बटन की बात कर ले तो दोनों के बटन काफी अच्छे लगे हैं यार, बढ़िया फीडबैक है दोनों ही बटन्स के। बर्ड्स की बात कर ले बिल्ड क्वालिटी में, तो यार देख सकते हो यहाँ वो M32 पूरा लैस है एकदम सिलिकॉन मटेरियल से, अंदर से पूरा प्लास्टिक ही बिल्ड है, बाकी रियली बर्ड्स 2S जो है पूरा प्लास्टिक बिल्ड साथ आता है और आगे जो है सॉफ्ट सा एकदम ईयर टिप्स देखने को मिल जाता है। बाकी यार मैग्नेटिक कनेक्शन दोनों में देखने को मिल जाता है, ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन कॉल उठाने वाला जो फीचर है ना वो आपको दिखता है रियली बर्ड्स 2S में, यानी कोई भी कॉल आएगी बर्ड्स अटैच करोगे कॉल रिसीव हो जाएगी, लेकिन इसको ऑन करना पड़ता है रियलमी लिंक ऐप से, और वहीं पे ओप्पो एनको M32 में ऑन ऑफ का फीचर देखने को मिल जाता है। बाकी यार कंफर्ट की बात कर ले तो कंफर्ट दोनों ही बड़ा जबरदस्त प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप भाई तकिए में लेट के मूवीज वगैरह देख लो, चाहे जैसे देख लो, चाहे बैठ के देख लो, घंटों अनकंफर्टेबल नहीं फील करो, काफी लाइट वेट डिजाइन है दोनों का ही। बाकी कंपेरिजन की बात कर लो तो थोड़ा सा बेटर है ओप्पो एनको M32 बिकॉज ऑफ सिलिकॉन मटेरियल जो यूज किया गया है ऊपर, लेकिन ध्यान देना अगर ये खो गया ना, देख सकते हो दूडी सिंह भाई कितना कंफर्टेबल रहेगा, आप तो डिसाइड कर लो। बाकी इन ईयर फिट की बात कर ले यार, तो यहाँ पे ओप्पो एनको M32 विनर है भाई। आप चाहे कितना भी हार्ड को रनिंग जिम कुछ भी कर लो, कूद जाओ कहीं से भी, लेकिन ये कान से नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे जो सार्फिन एंटीना है ना काफी अच्छे से कानों में टकिन रहता है। और वही रियली बर्ड्स वायरलेस 2S भी कोई खराब नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड को रनिंग जिम करोगे तो कान से निकल जाता है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा। बाकी यहाँ पे ज्यादा स्पेसिफिकेशंस पे नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात करेंगे रियल लाइफ में कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी यहाँ पे ब्लूटूथ रेंज एंड कनेक्टिविटी की बात कर लें, तो यार ब्लूटूथ रेंज दोनों में सेम मिलता है 10 मीटर, लेकिन ब्लूटूथ दिख जाता है 5.3 यहाँ पे रियलमी बर्ड्स 2S में, 5.0 देखने को मिल जाता है ओप्पो एनको M32 में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई फीचर्स की, तो यहाँ पे ऐप का सपोर्ट दिख जाता है रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2S में, और यहाँ ओप्पो एनको M32 में कोई भी ऐप का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जबकि हेमरेडी ऐप का सपोर्ट दे सकते थे ये लोग। अब यहाँ बात कर लेते हैं इनके ऐप फीचर्स की, जो कि हम नहीं करेंगे क्योंकि भैया पूरा डिटेल में बात किया हुआ है, इसका जो सिंगल रिव्यू किया है वहां जाके देख लेना यार
क्यों यहाँ टाइम बर्बाद करना। बाकी यार ब्राइट मोड, बैलेंस मोड और बास्ट बूस्ट प्लस, ये तीनों ही मोड देखने को मिल जाते हैं Realme Buds Wireless 2 में, जिसका बेनिफिट काफी अच्छा है, साउंड वाले बात करेंगे। और वहीं बटन्स एंड फीचर्स की बात कर ले तो दोनों को ही बढ़िया है। यहाँ पे भाई काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो Realme Buds Wireless 2 के और M32 के, लेकिन कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। बाकी एकदम डिटेल में इनका बताया है कैसे फॉरवर्ड ऑरवर्ड होता है, इनके सिंगल रिव्यू में फिर से बता रहे हैं। अब वहीं डुअल पेयरिंग की बात कर ले तो दोनों में ही सेम टू सेम डुअल पेयरिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे Realme वाले को थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हो, वहाँ पे आप मल्टी फंक्शन बटन से सिंगल प्रेस से भी चेंज कर सकते हो अपना डिवाइस इधर उधर, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ अगर कॉलिंग की बात कर लेना यार, तो Oppo N को M32 नॉइजी कंडीशन में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करता है Realme Buds Wireless 2S के मुकाबले। हालांकि इसमें AI देखने को मिलता है Realme Buds 2S में, लेकिन अभी जो है थोड़े बहुत नॉइजी कंडीशन होगा इन्वायरमेंट वाला तो वहां कैंसिल कर देता है, लेकिन इसके सामने अभी भी नॉइजी कंडीशन जो ट्रैफिक वाली होती है रोड वाली, वहां पर ये कम अच्छे से परफॉर्म करता है Realme Buds Wireless 2S। और M32 बेस्ट परफॉर्म देता है अराउंड 1500 के आसपास जो है नेक बैंड्स की अगर बात करें तो। बाकी Realme जो है इसमें अपडेट देकर के ये चीज खत्म कर सकता है, क्योंकि AI का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी माइक टेस्ट करके दिखा दे रहे हैं यार, खुद ही जज कर लेना। यार ये आवाज हमारी रिकॉर्ड हो रही है Oppo N को M32 से, तो भाई कॉलिंग में ये भी ठीक ठाक है, ऐसे कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और बाकी यार आप लोग खुद ही जज कर लेना इसकी माइक क्वालिटी आप लोग को कैसी लग रही है। और हाँ, वीडियो अगर जरा सा भी अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना यार। तो यार ये आवाज हमारी रिकॉर्ड हो रही है Realme Buds Wireless 2S से, तो कैसे लग रहे हैं यार इसकी आपको माइक क्वालिटी। बाकी यार चैनल में मेहनत बहुत कर रहे हैं और आप लोग का सपोर्ट बहुत मोटिवेट करता है, हर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से माइक क्वालिटी हमें तो काफी सही लगी है। अब बात कर रहे थे लो लेटेंसी मोड किसमें देखने को मिल जाता है, तो यार Oppo N को M32 वाले कह रहे हैं भैया इसमें पहले से ही ऑन करके दिए हैं, और यहाँ पर Realme Buds Wireless 2S कह रहा है भैया ऑन कर लो, 88 ms मिलता है और साथ में जो है डुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है गेमिंग के लिए, जो कि बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। समझ रहे हो, कहने का मतलब अगर आप गेमिंग करना चाहते हो और माइक भी अच्छा चाहिए तो वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग नेक बैंड हो जाएगा Realme Buds Wireless 2S। भाई साहब एक तो 5.3 ब्लूटूथ डुअल ट्रांसमिशन जो इसमें दिया है गेमिंग वाला, अब मैं यार ये सब मिल करना इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस देते हैं, मतलब मजा आ गया था इसका जो है गेमिंग टेस्ट करके। तो भाई आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, आप लोग भी जज कर लेना। बाकी Oppo N को M32 गेमिंग के लिए सजेस्ट नहीं करेंगे, अगर हार्डकोर गेमर हो तो कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। वहीं पे यार लो लेटेंसी एक्सपीरियंस आपको हर जगह बेहतर मिलता है दोनों में ही, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस कर लो, चाहे वीडियो कॉल्स कर लो, चाहे देर तक मूवीज वगैरह देख लो, कुछ भी कर लो, ये आपको बेहतर एक्सपीरियंस देंगे दोनों ही, दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन मूवीज के लिए ना जो ये Realme का बैलेंस्ड ऑडियो वाला सिग्नेचर है, ये हमको बड़ा पसंद आता है, ऐप में जाके आप ट्यून कर सकते हो, जबरदस्त मूवी एक्सपीरियंस मिलता है। और यहाँ भाई अगर चार्जिंग स्पीड की बात कर लें तो Oppo N को M32 विनर है यार, यहाँ पे 35 मिनट में फुल चार्ज होता है ये और 28 घंटे का बैटरी बैकअप देता है और 10 मिनट में 20 घंटे, तो जबरदस्त फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है भाई आपको यहाँ पे Oppo N को M32 में। बाकी रियल टाइम में बात कर ले तो आराम से 26 घंटे के आसपास बैकअप देखने को मिल जाता है 50-60% वॉल्यूम पर बता रहे हैं, और कॉलिंग वगैरह करोगे तो उससे भी कम। और वहीं पर Realme Buds Wireless 2S में फुल बैटरी बैकअप यार देखने को मिल जाता है 24 घंटे का, जो कि चार्ज होता है, ये ऑफिशियली कहीं पर भी नहीं बताया है। तो यार फास्ट चार्जिंग बताया हुआ है 20 मिनट में 7 घंटे का प्लेबैक देखने को मिलता है Realme Buds Wireless 2S में, तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करना यानी 24 घंटे का जो फुल बैटरी बैकअप है उसको चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। तो हमारे हिसाब से यार लमसम 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा इसको फुल चार्ज होने में। तो ओवरऑल फास्ट चार्जिंग अभी तक जो है Realme अपने 1500 के सेगमेंट्स में किसी भी नेक बैंड्स वगैरह में नहीं दे रहा है, और यहाँ पर भाई Oppo N को काफी अच्छा बैटरी दे रहा है यहाँ पे आपको। और हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, कॉलिंग के टाइम पे चाहे कोई भी नेक बैंड हो लमसम हाफ हो जाता है बैटरी बैकअप, ये हम नहीं कह रहे हैं ब्रांड कहता है, तो उस हिसाब से जज किया करो, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं ना भैया 28 घंटे बोला था लेकिन मिल रहा है 20 घंटे, तो डिपेंड करता है ना कॉल कितना कर रहे हो, म्यूजिक कितना सुन रहे हो,
है ना, कितने वॉल्यूम पर सुन रहे हो, ये सारी चीजें मिक्स होने के बाद जो बैटरी बैकअप बनता है वो आप पे डिपेंड करता है। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज पर, वो है साउंड क्वालिटी। यार देखो, जो लोग ना बैलेंस्ड साउंड सुनना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए दोनों ही नेक बैंड बहुत बढ़िया है, या फिर जो लोग बेस के साथ एक बढ़िया ऑडियो एक्सपीरियंस चाहते हैं तो वहां पे भी दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन ओप्पो जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिक्स करता है सारी ऑडियो को, जो कि थोड़ा सा बेहतर लगी हमको रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2S में। यहाँ पे आपको हर एक चीज बहुत बढ़िया सुनाई देती है, चाहे वो वोकल्स की बात कर लो, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लो, ये जो है ओप्पो एनको M32 से थोड़ा सा बेहतरीन आता है रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2S में। तो ये चीज ध्यान रखना आप। और यहाँ पे देखो, कई लोग की नीड पूरी हो जाती है रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2S के साथ, जैसे कि जो लोग चाहते हैं भाई हमारा जब मन करे तो हम क्लासिकल सॉन्ग्स वगैरह सुन ले, हमारा जब मन करे पार्टी सॉन्ग सुन ले, हमारा जब मन करे भैया डीजे में कूद जाए, मतलब डीजे वाले सॉन्ग सुन के नाच वाच ले, तो वहां पे जो है रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2S काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ देखने को मिल जाता है ब्राइट मोड, बैलेंस्ड मोड, और उसके बाद जो है पास्ट बूस्ट प्लस। तो पास्ट बूस्ट प्लस जो है इतना बड़ा नाम है, लेकिन इतना भी ज्यादा बेस नहीं बढ़ा देता है कि जो है डाउन कर दे यहाँ पे वोकल्स को और मिड्स को, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डाउन करता है। लेकिन जैसे ही बैलेंस्ड ऑडियो पर आते हैं ना, तो वो हमको ज्यादा बेहतर लगा है, क्योंकि वहां पे बेस भी बढ़िया मिल रहा है और वोकल्स ट्रबल्स मतलब ये सारी चीजें जो है ना काफी अच्छे से आपको सुनाई देती हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। तो भाई, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि अभी तक बैलेंस्ड ऑडियो के मामले में ओप्पो एनको M32 बेहतर था, समझ लो, लेकिन थोड़ा सा उससे बेहतर ट्यूनिंग है यहाँ पर रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2S की। और हाँ, यहाँ पे साउंड इनहेंसर भी देखने को मिल जाता है रियलमी में, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लाउडनेस ओप्पो एनको M32 में ज्यादा है। तो यहाँ से हमको क्या सीखने को मिलता है, हमको यहाँ पे यही सीखने को मिलता है कि ड्राइवर साइज से कुछ नहीं होता दोस्त, 10mm मिलता है ओप्पो एनको M32 में, और यहाँ पे 11.2mm, लेकिन फिर भी लाउडर है ओप्पो एनको M32 रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2S के मुकाबले। तो यहाँ पे अगर आपको लाउडनेस पसंद है, फिर उसके बाद आपको एक बैलेंस्ड ऑडियो चाहिए, तो वहां पे आप ओप्पो एनको M32 ले सकते हो। लेकिन अगर आपको भाई हर एक चीज का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको भाई बैलेंस्ड ऑडियो भी चाहिए, आपको बेस भी चाहिए जितना हमने बताया अभी, तो यहाँ पे रियल बर्ड्स वायरलेस 2S विनर है। और हमारे हिसाब से भी रियल बर्ड्स वायरलेस 2S विनर है, भले ही उतना लाउड हो या ना हो, लेकिन इतना लाउड है कि यार पर्दे खराब करने के लिए काफी है रियल बर्ड्स वायरलेस 2S। कौन इसका फुल वॉल्यूम भी सुनता है भाई, 50% वॉल्यूम में बहुत सही रहता है ज्यादा यूज करने के लिए। बाकी यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो बार बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं हिसिंग साउंड वगैरह के बारे में, हिसिंग साउंड जो है आपको ज्यादा मिलेगा ओप्पो एनको M32 में और कम मिलेगा रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2S में। बैकग्राउंड साउंड जो है वो कितना आता है दोनों में, देखो तो दोनों में ANC नहीं मिलता है, लेकिन ओप्पो एनको M32 में सिलिकॉन मटेरियल मिलता है जो कि पूरे ईयर को अच्छे से पैक्ड कर देता है, तो थोड़ा सा बाहर वाली आवाज कम कर देता है, लेकिन जब गाने तेज कर लोगे तो इसमें कौन सा आवाज आने वाला है, डिस्टॉर्शंस किसमें ज्यादा है, थोड़ा बहुत मैंने बोला ना जैसे मफल करती है ऑडियो यानी मिक्स्ड होता है, तो वो वहां पे जो है हमको थोड़ा बहुत लगता है ओप्पो एनको M32 में, समझ रहे हो। लेकिन जब आप लगातार यूज करते हो ना तो वो चीज भी समझ में नहीं आती है, सब जो है रम जाता है। अब यहाँ पे भैया इनके वीकेस्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो हल्की से यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी कमजोर लगी है रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2S का, मतलब ये नहीं कैंसिल कर रहा भाई, कंपैरिजन है तो कोई ना कोई तो जीतेगा ना। बाकी यहाँ पे प्रचार बहुत किए थे डायरेक्ट रियल HD साउंड वाला, तो वो चीज जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा हर फोनों में, किसी किसी को मिल भी सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका साउंड बहुत अच्छा है। बाकी यार यहाँ पे कोई खास ऐसा वीकेस्ट पॉइंट नहीं है, और अगर होगा भी तो बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं यार कंपैरिजन वाले या फिर सिंगल वीडियोस, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऐसा मार दो चपक जाए हमें के लिए। तो चलो यार वीडियो को यही खत्म करते हैं, और आप लोग को बता दें जितनी प्रोडक्ट है ना कितने पीछे से बोल लेंगे, खुद अपने पैसे से बाय करते हैं, हाँ भाई खुद अपने पैसे से बाय करते हैं तभी जेन्युइन और बढ़िया रिव्यू दे पाते हैं, इसीलिए कह रहा है चलो सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे कुछ भी बायस नहीं मिलने वाला है आपको। चलो मिलते हैं ऐसे ही सच्चे और अच्छे कंटेंट के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो ना।